भाड़े पर हत्या करने वाला शार्प शूटर राजकुमार पुत्र स्वर्गीय बंटी सिंह निवासी बरौनी थाना टेकरा जिला बेगूसराय बिहार प्रदेश को खोराबार पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तार अभियुक्त तो खोराबार थाना क्षेत्र के पिपरा पथरा निवासी ऑटो चालक दयाराम निषाद की हत्या का आरोपी है। इसके पास से हत्या में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है। घटना का खुलासा करते हुए एसपी क्राइम ने बताया कि खोराबार थाना निवासी दयाराम निषाद की हत्या उन्हीं की पत्नी ने अपनी प्रेमी विकास महतो के साथ मिलकर करने का आरोप है। उसी हत्याकांड में राजकुमार ने मात्र 25,000 रुपए की सुपारी लेकर ऑटो चालक दयाराम को गोली मारकर हत्या कर दी और फरार चल रहा था, जिसको बुधवार को खोराबार पुलिस ने अपनी गिरफ्त में लिया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम आलोक शर्मा ने पूरी घटना को विस्तार पूर्वक बताया। थाना खोराबार क्षेत्रांतर्गत श्री दयाराम निषाद की हत्या की गई थी, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 585/18 मृतक की पत्नी व एक विकास महतो व एक व्यक्ति अन्य के नाम पंजीकृत किया गया था, जिसमें क्राइम ब्रांच की टीम, थाना खोराबार की टीम, सीओ क्राइम, सीओ कैंट, एसपी सिटी साहब, हम सभी लोग वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कार्य किए और उसमें मृतक दयाराम निषाद की हत्या करने वाला व्यक्ति राजा सन ऑफ स्वर्गीय बंटी सिंह, जो जिला बेगूसराय थाना तिगड़ा का रहने वाला है, उसे गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के द्वारा बेगूसराय से ही पूरी प्लानिंग की गई थी दयाराम निषाद की हत्या करने की, और ये लोग वहाँ से ट्रेन से बैठ करके आए। गोरखपुर आने के बाद यहाँ थाना पिपराई क्षेत्र में एक जगह पर रुके, उसके बाद एक मोटरसाइकिल की अपराध कारित करने के लिए चोरी की गई, चुराया गया उस मोटरसाइकिल को, और तीनों लोग घटनास्थल पर गए, जिसमें से रिंकी देवी के द्वारा पूरी लोकेशन रेकी और पूरी जानकारी दी गई मौके पर मौजूद रह करके, और हत्या कारित करने का कार्य रिंकी के साथ साथ विकास महतो एवं ये जो शूटर है राजा कुमार, जो पैसे के लिए हत्या करने के लिए आया था, उनके साथ के द्वारा अंजाम किया गया। मृतक को दो गोलियां मारी गईं। इसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल जो चोरी की गई थी हत्या को कारित करने के लिए, इसकी निशानदेही पर बरामद की गई है। शेष अभियुक्तों के लिए टीम रवाना है, उस पर कार्य किया जा रहा है और विधि संगत कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। कितना पैसा लिया था? इससे 25,000 रुपया तय किया गया था। सर, रिंकी देवी कौन है? रिंकी देवी मृतक दयाराम निषाद की पत्नी है, जो इसके द्वारा जो कारण है वो पैसे के लिए है। रिंकी देवी और विकास महतो के द्वारा जो कारण है वो रिंकी देवी द्वारा के चूँकि जो हत्या हुई है वह पति थे, उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा था कि विकास महतो से उनका जो साथ रहने का है उसका विरोध किया जा रहा था, खासतौर से दयाराम निषाद द्वारा, इस कारण से अवैध संबंधों के चलते हत्या हुई है। हाँ, कैसे, ये मूलतः अपराधी है, इससे पहले भी ये कई बार जेल यात्रा बिहार में कर चुका है और इसके भाई भी इस वक्त जेल में हैं, इसकी मदर भी जेल जा चुकी हैं, और इसका जो मूल कार्य है वो यही है
कि ये इस तरह के अपराध कारित करता है और उसी से अपनी आजीविका चला। मृतक की पत्नी रिंकी देवी और विकास महतो ट्रेन में आ रहे थे और वहीं ट्रेन में इसकी माँ से उनका संपर्क हुआ, दोनों का बेगूसराय में ही, और उसके बाद रिंकी देवी और विकास महतो बेगूसराय जिले में ही एक स्थान पर रहने लगे इन्हीं के घर के पास, और वहीं ये सारी इनके द्वारा तीनों के द्वारा मिल करके प्लानिंग प्लॉटिंग करके इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया।